नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न दिन भर चलता रहा। सुबह 11 बजे से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबने लगे थे और देर रात तक एक एक विधायक जैसे जैसे जीत कर अपने क्षेत्र में लौट रहा था, आम आदमी के कार्यकर्ता भी जश्न में मशगूल होते जा रहे थे। वहीं ये जश्न का सिलसिला जब रात तक पहुँचा तो एक इलाके से गोलीबारी की खबर भी आई। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के जश्न में, जुलूस में किसी ने गोलियां चलाई। एक दो नहीं, पूरी 7 गोलियां चलाई, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, वहीं एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली में मंगलवार देर रात आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के काफिले पर गोलियां चलाई गई। नवनिर्वाचित विधायक और उनके समर्थक निर्वाचन क्षेत्र में महारैली कर रहे थे और विधायक एक मंदिर से पूजा अर्चना करके लौट रहे थे। इस गोलीकांड में आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक अशोक मान की मौत हो गई, वहीं एक दूसरे कार्यकर्ता घायल हो गए। गोलीकांड के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा नेताओं पर हमलावर रहे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि पार्टी स्वयंसेवक अशोक मान के हमले में मौत हो गई। उन्होंने इसे दिल्ली कानून राज की नाकामी बताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी अंकित लाल ने ट्वीट किया, आप विधायक नरेश यादव और उनके समर्थकों के काफिले पर गोलियां चलाई गई, दूसरी कार में सवार बदमाशों ने फोर्टिस के पास उन पर गोलियां चलाई। एक और ट्वीट थोड़ी देर के बाद उन्होंने किया, जिसमें लिखा, काफिले पर पीछे से हमला हुआ था तो साथियों को गोली लगी। इस हमले में अशोक मान जी की मौत हो गई, वहीं हरेंद्र जी घायल हैं। हरेंद्र जी के पैर में गोली लगी है और वह फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं, फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक का जश्न और उस जश्न में चली गोली, इसके पीछे कौन जिम्मेदार हैं और किसने इस साजिश को अंजाम दिया, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है, लेकिन इस गोलीकांड के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक बार फिर अपने विरोधी दल बीजेपी के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।